जी सब दोस्तों, आज के दिन एक ऐसे महानुभव का जन्म इंग्लैंड में हुआ जिसने एक क्रांति ला दी, विशेषकर भारतीय इतिहास को हिलाकर रख दिया, जोड़ कर रख दिया। बौद्धिज्म के लिए एक विशेष क्रांति इससे आई जिसने भगवान बुद्ध की वाणी को, जो अशोक सम्राट ने शिलालेखों पर, शिला स्तंभों पर संरक्षित की थी, जो धूल चाट रही थी, उसको जब जाहिर कर दिया। उसके जब जाहिर होने से बुद्धिज्म को तो लाभ हुआ ही हुआ, भारत का एक नया इतिहास सामने आया जिसने बौद्ध धर्म के भिन्न भिन्न स्तूपों का पर लिखी गई घटनाएं, धम्म उपदेश, सबके सामने उजागर हो गए। जो अभी मिथ्या में पड़े हुए थे, जो अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहे थे, जो अभी तक भ्रमित कर रहे थे, उन सब की आंखों के आगे से पर्दा हट गया। जिस तरह से सूर्य के सामने से बादल छट जाते हैं, सूर्य स्पष्ट नजर आने लगता है, उसकी किरणें पृथ्वी पर पहुंचने लगती हैं, इसी प्रकार भगवान बुद्ध की वाणी जेम्स प्रिंसिप के प्रयासों से भारत में तो क्या, विश्व के दूर दराज के देशों में, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली इत्यादि देशों में भी पहुंचने लगे। जिन लोगों ने अथक प्रयासों से बौद्ध धर्म के साहित्य को खोज निकाला, जेम्स प्रिंसिप का जन्म 20 अगस्त 1799 को हुआ। उनके पिता जॉन प्रिंसिप और माता उनकी, पिता उनके जॉन प्रिंसिप और माता उनके सोकेली, वे अपने माता पिता के साथ हुए पुत्र थे और 10वीं संतान। जेम्स प्रिंसिप की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इंग्लैंड में हुई, वहीं से वो पढ़े हुए। उन्होंने गे हॉस्पिटल से केमिस्ट्री में ट्रेनिंग ली और उन्होंने रॉबर्ट बिगले से अपना जो मेटल है, धातु है, उनको पहचानने की जो प्रक्रिया है उसकी ट्रेनिंग। लंदन के पास आने के 20 वर्ष की आयु में भारत कलकत्ता आ गए और कलकत्ता आकर उन्होंने कलकत्ता जो मेंटिंग है, ट्रेजरी है, उसमें कार्यरत हो गए। उनके बॉस हॉरेस हेमन विल्सन, उनके अंतर्गत वह बनारस मिंट के बाद भी कार्यरत रहे और बनारस में आके उसने जब सारनाथ इत्यादि जगहों पर स्तंभों पर लिखे हुए लेख को देखा तो विस्मित हो उठे कि ये क्या लिखा हुआ है, किसने लिखा है, क्यों लिखा है। जिस प्रकार से उनको देखा उसने, उसके तो समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज है। इस भाषा को सम्राट अकबर ने भी जानने का प्रयास किया। उन्होंने, उनके जो रहीम खान खाना थे, जो उनके अन्य विद्वान थे, तो सबने भरपूर प्रयास किया परंतु उसे नहीं समझ पाए। उन्होंने बनारस के ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, अंग्रेजों ने भी उस पर बहुत कार्य किया, ब्राह्मणों को बहुत कहा, परंतु उसे कोई समझ नहीं पाया, बल्कि
उसके विपरीत दिशा में उन्होंने कार्य किया और उनको जो अशोक स्तंभ है उनको हनुमान की गदा बताकर इंग्लैंड के गवर्नरों को इंग्लैंड के ऑफिसर्स को गुमराह किया। परंतु जेम्स प्रिंसिप ने जब सारनाथ में धम्मचक्र पर्यटन स्थान पर स्तूप को देखा तो वो देखकर उसे प्रयास में लगे कि ये सब क्या है। उसको जानने के लिए उसने अन्य स्थानों पर घूम घूम कर जब देखा भ्रमण कर करके देखा तो सांची गए। सांची से उन्होंने जो भी कुछ लिखा हुआ है वहाँ से उसको लिया। उसको उतारने के लिए पहले प्राचीन काल में क्या करते थे कि कपड़े पर जो लिखा हुआ है क्योंकि तो उसको या तो नकल करो या फिर उसको ना फोटोस्टेट या किसी कैमरे का तो उस समय था नहीं, तो उन्होंने एक कपड़े पर सही लगाकर उनको उकेर लिया। केर कर उन्होंने भिन्न भिन्न स्थानों के जो स्तंभ पर लिखे गए लिपियां थी उनको पहचानने का प्रयास किया। करते करते वो एक शब्द दानं पर अटक गए कि यह शब्द दानं हो सकता है। उसको परखने के लिए उन्होंने श्रीलंका में टर्नर के पास गए। वहां जाकर उन्होंने जब मिलान किया तो ये कंफर्म हो गया कि यह सब दाना ही है। और इस तरह से करते करते उन्होंने पूरे का पूरा वर्णमाला खोज निकाली और भारत को ये जो पृथ्वी की गर्भ में समाया हुआ था यह खजाना उनको समर्पित कर दिया। ने इतना ही नहीं किया, उन्होंने भारत में एसिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई। वे उसके पहले फाउंडर मेंबर हैं और 40 में उनका निधन हो गया। वो इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से वापस नहीं आए, परंतु भारत को एक बहुत बड़ी खजाना दे दी। भारत में एक क्रांति ला दी, बौद्ध धर्म में एक क्रांति ला दी कि वह उसको पढ़ पाए, समझ पाए और आगे की जनता में जैसे कनिंगम ने उसको पढ़कर वेंसांग को पढ़कर स्वयंसांग को पढ़कर भारत में जितने भी थे जम्बूद्वीप के जो कर्म में समाये हुए शिलालेख थे स्तूप थे उनको खोजने का कार्य किया। इन दो महान अनुभूतियों ने बौद्ध धर्म को वो दिया शायद अन्य कोई व्यक्ति नहीं दे पा। उनके इस कर्म के लिए कार्य के लिए अनुष्ट कार्य के लिए भारत की जनता भारत के बौद्ध विश्व के बौद्ध उनके आभारी हैं। प्रिंस जोसेफ अपने आप में पूरे के पूरे एक मिशन है, उसने इस कार्य को किया। उन्होंने एक महान कार्य और किया कि जब वो मिंटिंग करते थे तो मिंटिंग में सिक्का जो है ना कितने वजन का कितने रुपए का या कितने पैसे का होना चाहिए, कौन सा सिक्का कितने रुपए का या कितने पैसे का होना चाहिए, तो उसके लिए भी उन्होंने एक विशेष फार्मूला दिया जिस फार्मूले के अकॉर्डिंग जिस फार्मूले के अनुसार आगे भविष्य में सिक्कों की मिंटिंग होनी शुरू हो गई
कौन सा सिक्का सिल्वर का बनाया जाए, कौन सा सिक्का सोने का बनाया जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने इस बात से बहुत बड़ी मदद की। भारत में उन्होंने इतना जो अध्ययन किया, एक सम्राट अशोक जो अभी भारत के इतिहास से लापता हो गए थे, जो ढूंढने पर भी नहीं मिल पा रहे थे, उनको सबके सामने रख दिया। एक सूर्य की जो किरण है वो जैसे पृथ्वी पर आने से बादल रोके बैठे हुए थे, उन बादलों को छाट दिया। जिस तरह से घड़े का ढक्कन लगा होता है, उसके अंदर पानी है क्या है नहीं पता लगता, उसका ढक्कन हटा दिया। इस प्रकार से जेम्स प्रिंसेप ने भारत का एक बहुत बड़ा उद्धार किया, भारत का ही विश्व के सभी मनुष्यों का कल्याण किया। इस कल्याणकारी कार्य के लिए हम जेम्स प्रिंसेप को